भारतीयों की कुशलता व ऑपरेशन गंगा की सफलता के लिए गंगा तट पर उपवास यूक्रेन में मारे गए छात्र को श्रद्धांजलि दी गई। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा व सकुशल वतन वापसी, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हिंदुस्तानियों को वापस लाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा की सफलता एवं दुनिया को परमाणु युद्ध से बचाने की कामना को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित द्वारा अटल गंगा घाट बैराज पर गंगा जी के किनारे उपवास किया गया व गंगा जी का पूजन अर्चना भी किया गया। डॉक्टर दीक्षित ने बताया कि यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते युद्ध के कारण दुनिया परमाणु युद्ध के दरवाजे पर खड़ी है। भारत के हजारों नागरिकों का जीवन संकट में है, उनका जीवन बचाने के लिए व उन्हें सकुशल वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। कानपुर से प्रवीण सिंह की रिपोर्ट। ऑपरेशन गंगा कार्यक्रम शुरू किया है, उसकी सफलता के लिए माँ गंगा के तट पर हम बैठे हैं, उपवास कर रहे हैं, उनसे कामना की है कि हमारे देश के नागरिकों को सुरक्षित वापस यहाँ पर आए, मोदी जी का ऑपरेशन गंगा सफल हो और दुनिया परमाणु युद्ध से बचे। मुझे आशा है कि भगीरथी की जटाओं से जन्मी माँ गंगा जो है हम सभी की कामना पूरी करेंगी और इस तरीके से जो देश और दुनिया के सामने युद्ध का खतरा मंडरा रहा है उससे मानवता की रक्षा करेंगी और हमारे देश के हजारों नागरिक सकुशल वापस आएंगे। कदम उठाइए। देखिए, सरकार के पास जितने संसाधन थे सरकार ने वहां पर शुरू किया है, प्रयास समय से पहले भी शुरू किया है। मोदी जी ने जिस बहादुरी से ऑपरेशन गंगा शुरू किया है और हमारी सरकार के, देश की सरकार के चार चार मंत्री युद्ध स्थल पर जा करके भारतीयों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, जिस तरीके से मोदी जी ने विश्व शांति के लिए पहल की है, मुझे लगता है कि गांधी का ये देश मोदी के नेतृत्व में फिर एक बार दुनिया को हिंसा से बचाएगा और दुनिया जो है परमाणु युद्ध से बचेगी और शांति के रास्ते पर लौटेगी।